Hello everyone, in this video you will get to know scope of variables in Python program. Means एक Python program में variable को आप कहाँ कहाँ use कर सकते हो, एक variable का क्या scope होगा. The part of the program where a variable is accessible can be defined as the scope of that variable. प्रोग्राम का वो पार्ट जहाँ पे आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल को यूज कर सकते हो, वो क्या होता है, वो उस वेरिएबल का स्कोप होता है. ओके, अ वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कोप्स. तो वेरिएबल के इनमें से कोई भी एक स्कोप हो सकता है, ग्लोबल स्कोप हो सकता है वेरिएबल का या लोकल स्कोप हो सकता है. लोकल स्कोप, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन बॉडी इज सेड टू हैव लोकल स्कोप. तो जो वेरिएबल आप फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर करते हो, क्रिएट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप होता है. दैट इज, इट कैन बी यूज्ड ओनली विद इन दिस फंक्शन एंड द अदर ब्लॉक्स कंटेन्ड इन इट. तो जो ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आप फंक्शन की बॉडी में, राइट, उसको आप सिर्फ फंक्शन की ही बॉडी में यूज कर सकते हो, या फिर फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर आपने दूसरे ब्लॉक्स डिफाइन किए हैं, दूसरे फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शंस हैं, राइट, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो उसमें भी ये वाला जो आपका वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, वो यूज हो सकता है. लेकिन फंक्शन की बॉडी के बाहर, इसके आउटसाइड लोकल वेरिएबल यूज नहीं होगा, राइट. और इस स्कोप को क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप बोलते हैं. इस वेरिएबल मतलब कहां तक सीमित है, यह वेरिएबल फंक्शन के डेफिनेशन तक सीमित है. द वेरिएबल्स हैविंग लोकल स्कोप आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स. तो जिन वेरिएबल का स्कोप लोकल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल्स. ओके, द नेम ऑफ द पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो हैव लोकल स्कोप. तो यहाँ पे जो आप पास करते हो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, जो आप पैरामीटर्स पास करते हो, उनको भी, उनका स्कोप भी क्या होता है, लोकल स्कोप होता है. वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं, फंक्शन के बाहर यूज नहीं होते हैं, राइट. जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ डिस्प्ले. डिस्प्ले नेम से फंक्शन है, तो जब फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, राइट, कंट्रोल जाएगा फंक्शन के ऊपर और फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे आपने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है x इक्वल टू 50, राइट, और आपने उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी है. फाइन, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 50 आ गया. ये x हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया है, फंक्शन के बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकता. इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ अभी आपको. ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना फंक्शन डेफ डिस्प्ले, राइट. इसमें मैंने एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, डिफाइन किया 50. ओके, इसको हम यहाँ पे कमेंट देते हैं, लोकल वेरिएबल, राइट. आपका एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल है. फाइन, अब हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही इसको प्रिंट करा दिया. वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, राइट, आपने दे दिया वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स. ओके, देन आपने क्या किया, आपने इसको फंक्शन को कॉल करा दिया. फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स इज 50, राइट. आपने फंक्शन को कॉल किया, ओके, फंक्शन कॉल होगा, इंटरप्रेटर, सबसे पहले इंटरप्रेटर का कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा, तो चेक करेगा ये क्या है, फंक्शन हेडर है. फंक्शन हेडर को चेक करके वो फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा. ओके, देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर का डिस्प्ले फंक्शन कॉल पे गया है, राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है. जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा, और ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको वैल्यू दिया 50 और उसको प्रिंट करा दिया. सिंपल, आपके पास वैल्यू आ गई 50, राइट. अब देखो फंक्शन के अंदर हम एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसका स्कोप कहाँ है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही है. एक्स को आप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हो, आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो. कैसे, अगर आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगी, एरर. मैं इसको करके दिखाती हूँ. जैसे अगर आपने क्या किया, इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश की, प्रिंट, ओके, वही मैं स्टेटमेंट यहां पे ले लेती हूं, वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके, हमने ले ली एक्स. फाइन, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ लुक,
यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे आपकी नेम एरर आ गई है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि फंक्शन के बाहर वो इसको आप एक्स वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ ही नहीं है फंक्शन के बाहर, राइट. तो आपका एक्स जो वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ तक है? उसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन तक है, लोकल स्कोप है, राइट. नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल स्कोप. इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. तो जो वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर होता है, कहां पे डिफाइन होता है? आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, मतलब सारे फंक्शंस के बाहर, ओके, या किसी भी ब्लॉक के बाहर जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लोबल वेरिएबल. और उसका स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप, इट कैन बी यूज्ड इन द एंटायर प्रोग्राम. तो ग्लोबल वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, राइट. तो आपको ये ध्यान रखना है, जो वेरिएबल आपको ग्लोबल बनाना है उसको ना तो आप किसी फंक्शन में डिक्लेयर करोगे, ओके, ना ही आप किसी ब्लॉक में उसको डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर या डिफाइन, राइट, ओके. एनी चेंज मेड टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इम्पैक्ट ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड. अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी चेंज करते हो तो जो जो फंक्शंस उस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे हैं उन फंक्शंस में भी उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट. समझ आया ग्लोबल वेरिएबल कौन सा? अच्छा, और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या हुआ? ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप कौन सा है? जो पूरे प्रोग्राम में यूज होता है, राइट, ओके. पूरे प्रोग्राम का स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप है. और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे यूज कर सकते हो? आप प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी फंक्शन में यूज कर सकते हो, किसी ब्लॉक में यूज कर सकते हो, या फंक्शन या ब्लॉक के बाहर यूज कर सकते हो, राइट. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन. तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, एक्स इक्वल टू 50 लिखा है. ये देखो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया है, किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन नहीं किया है, ओके. तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, राइट. अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, फर्स्ट लाइन पे. और फर्स्ट लाइन में आपका ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ओके. देन सेकंड लाइन पे कंट्रोल जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, एक हमने फंक्शन बनाया है डेफ डिस्प्ले, राइट. तो इंटरप्रेटर इसको चेक करेगा हेडर को, देन इट विल स्किप द बॉडी. नेक्स्ट आपका कहाँ जाएगा? डिस्प्ले पर. डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल किया है, ओके. ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है. फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी जो आपका कंट्रोल कहां चला जाएगा? फंक्शन पे चला जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो आपने क्या किया यहाँ पे? प्रिंट स्टेटमेंट दिया, वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन इज एक्स. तो देखो फंक्शन के अंदर हम एक्स को एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी आ रही है 50, राइट. अब देखो यहाँ पे जो ये जब फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या दिया? आउटसाइड द फंक्शन, वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द फंक्शन एक्स, राइट. तो 50 की वैल्यू अगेन आ रही है. तो यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल आप थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो, कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, राइट. तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ अभी, ओके. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इक्वल्स टू 50. तो ये मेरा क्या है? ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, राइट. इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, ओके. मैंने क्या डिफाइन कर दिया इसको? ग्लोबल वेरिएबल. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ओके. अब यहां पे हम लिखेंगे डेफ डिस्प्ले, फाइन. और यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन, ओके. वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन हमने दे दिया एक्स, राइट. अब यहां पे हम करते हैं फंक्शन को कॉल. नेक्स्ट अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं बाहर. देखो लोकल वेरिएबल जब हमने बाहर प्रिंट कराने की कोशिश की थी तो क्या आया था? हमारे पास एरर आ गई थी. बट ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन में कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन, वेयर एवर यू वांट, ओके. आउटसाइड फंक्शन, फाइन. और आपने दे दी इसकी वैल्यू, ओके. अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग.
देखो सिंपल, आपके पास आ गया है, कोई एरर नहीं आई. वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन 50, राइट, एंड वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द फंक्शन 50, राइट. तो सबसे कैसे ये एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे. ओके, फर्स्ट लाइन पे आपका, आपने क्या किया है, क्रिएट किया है ग्लोबल वेरिएबल को, राइट. देन आपने एक फंक्शन क्रिएट यहाँ पे, फिर कंट्रोल जाएगा सेकंड लाइन पे, दिखेगा यहाँ पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है. ओके, फंक्शन डेफिनेशन के बाद वो क्या करेगा, फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा. देन इसके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा, इंटरप्रेटर का कंट्रोल, और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट वाली, वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा दी है. तो देखो फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आया है, वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड फंक्शन, राइट. तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल कहाँ रिटर्न हो जाएगा, कंट्रोल आपका चला जाएगा फंक्शन कॉल की नेक्स्ट वाली लाइन पर. ओके, तो अब आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड फंक्शन, राइट. तो देखो ग्लोबल वेरिएबल को आपको, आपने क्या किया है, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस किया है, फंक्शन के बाहर भी एक्सेस किया है, कोई एरर नहीं आई है. ओके, आप अगर ग्लोबल वेरिएबल पर क्या करना चाहते हो, ग्लोबल वेरिएबल को यूज करके अपने फंक्शन में कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे हमने ए ले लिया, ए इक्वल्स टू ले लिया आपने एक्स प्लस मैंने ले लिया 10, राइट. एक्स प्लस 10 ले लिया, तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आप प्रिंट करा दो, प्रिंट value of a is, right? तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, ग्लोबल फंक्शन को एक्सेस, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ. फाइन, ओके. तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ ए ले ली, वैल्यू ऑफ ए इज ए, राइट. तो आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, देखो अब आप इसको समझो, आपने क्या किया यहाँ पे, क्या किया है, एक्स ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसमें क्या प्लस किया है, आपने प्लस किया है 10, राइट. तो सबसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर आपने फंक्शन को क्रिएट किया. तो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ग्लोबल वेरिएबल, राइट. देन आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, इसको स्किप कर देगा बॉडी को, एंड डिस्प्ले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो. फंक्शन कॉल होगा तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर के पास, और आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है ए, और उसमें क्या हमने वैल्यू डाली है, ए is equal to x plus 10, right? x plus 10 कर दिया है. तो यहाँ पे x क्या है, global variable है. फिर आपने print कराया value of x inside function, तो आपकी 50 आ गई. okay, value of a 60 आ गया, right? आप क्या कर रहे हो, global variable को अपने function में use कर रहे हो. फाइन, और जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा कम्प्लीटली, आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड द फंक्शन हेयर, एंड आपका वैल्यू ऑफ एक्स आउटसाइड द फंक्शन 50, राइट. तो आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करके उसके ऊपर कैलकुलेशन भी करा सकते हो फंक्शन में, राइट. ओके, हेयर वी हैव लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल लिव्स इन मेमरी. नेक्स्ट वी हैव लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है, द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज द टाइम फॉर विच अ वेरिएबल लिव्स इन मेमरी. तो लाइफ टाइम क्या है, वो टाइम है जिस टाइम में वेरिएबल मेमरी के अंदर रहता है. ओके, फॉर ग्लोबल वेरिएबल लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम रन, दैट इज दे लिव इन मेमरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग. तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम क्या है, ग्लोबल वेरिएबल के लिए लाइफ टाइम तब तक है जब तक कि प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, राइट. ओके, फॉर लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम इज देयर फंक्शंस रन एज लॉन्ग एज देयर फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. एंड लोकल वेरिएबल के लिए क्या है, जिस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तब तक ही लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम होता है. तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वेरिएबल कब कब तक रहता है मेमरी के अंदर, पूरे प्रोग्राम का जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, मतलब प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक ग्लोबल वेरिएबल क्या रहता है, मेमरी के अंदर लाइव रहता है. ओके,
एंड लोकल वेरिएबल कब तक रहता है, जब तक कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जिस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। ओके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ओके तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं डेफ एरिया। ओके एंड आपने यहाँ पे ले लिया एल एंड बी लेंथ एंड ब्रेथ, फाइन। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो हमने ले लिया ए इक्वल्स टू एल इंटू इंटू बी। ओके एंड रिटर्न रिटर्न कर दिया आपने ए को, फाइन। ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं लेंथ एंड ब्रेथ को, यूजर से इनपुट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट इनपुट एंटर लेंथ, ओहो ये सारा कैपिटल में आ गया, एंटर लेंथ राइट। ओके नेक्स्ट हम ले लेते हैं ब्रेथ, इसको भी इनपुट करा लेते हैं इनपुट एंटर एंटर आपने कर दिया ब्रेथ, विथ भी लिख सकते हो। ओके ओके तो इन दो वेरिएबल्स की हम यूजर से एंट्री करा लेंगे। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए आर एरिया और यहाँ पे एरिया फंक्शन को कॉल कर दिया और उसमें एल एंड बी की वैल्यू हमने पास कर दी, राइट। एल एंड बी की वैल्यू हमने पास कर दी, आई थिंक ये मैंने वन ले लिया है, एल एल ये एंड बी की वैल्यू हमने पास कर दी है, राइट। ओके और अब ये हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ए आर, राइट। अब देखो यहां पे मैं पहले आपको बताती हूं, जो आपने ए डिक्लेयर किया यहाँ पे, ए वेरिएबल बनाया है, ए आपने क्या बनाया है यहाँ पे, ए आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है। हम इसको कमेंट में दे देते हैं, ए इज लोकल वेरिएबल। ओके यहाँ पे आपका एल एंड बी जो आपने आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल, ये कौन से हैं आपके, आपके एल बी एंड ए आर, ठीक है, ये वाला वेरिएबल, ये क्या है आपके, ग्लोबल वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे इसके नीचे दे देते हैं कमेंट में एल बी एंड ए आर आर ग्लोबल वेरिएबल्स, राइट। तो एल बी एंड ए आर जो वेरिएबल है वो आप कहीं पर भी थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो, लेकिन ए को आप विद इन एरिया फंक्शन ही यूज कर सकते हो, फाइन। तो अब देखो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेंथ आपकी आगे लेंथ मान लो मैंने दे दी फोर, ओके ब्रेथ मैंने दे दी टू, फाइन। तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट, राइट राइट आपका आंसर आ गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8। कैसे हुआ है आपका एग्जीक्यूट प्रोग्राम, सबसे पहले आपका जो कंट्रोल है वो इंटरप्रेटर का कहाँ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा जो क्या है, फंक्शन हेडर है, फंक्शन हेडर को चेक करके वो फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा। ओके देन द आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल जाएगा इस लाइन पर, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से इनपुट कराई है लेंथ और उसको इंट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको पता है इनपुट फंक्शन हमेशा वैल्यू किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है, राइट। देन आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जहां पे आप क्या करोगे, एंटर कराओगे ब्रेथ को। तो आपका देखो एंटर लेंथ आ गया, एंटर आपका ब्रेथ आ गया, आपने वैल्यू एंटर कर दी। ओके देन द कंट्रोल विल गो डाउन, यहाँ पे क्या किया आपने, फंक्शन को कॉल किया है और एल एंड बी की वैल्यू जो आपने एंटर कराई है यूजर से वो कहाँ पे पास हो जाएंगी, वो फंक्शन में पास हो जाएंगी, एल की वैल्यू चली जाएगी एल में एंड बी की वैल्यू चली जाएगी बी में, राइट। आपका कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा अलोंग विद द एल एंड बी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करेगा ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो जो वैल्यू आपने पास कराई थी फोर इंटू टू हो जाएगा और आपका ए में क्या वैल्यू आ जाएगी एट, राइट। फंक्शन ने रिटर्न कर दिया ए को,
राइट right? अब ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के प्लेस पर। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट अब हट जाएगा, इसके प्लेस पे ए की वैल्यू आ जाएगी, और ए की वैल्यू कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी, किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ए आर वेरिएबल के अंदर, राइट right? और आपने ए आर वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट right? सिंपल आपने ये देखा, ओके okay? अब देखो मैं अगर नेक्स्ट क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो ए है मेरा लोकल वेरिएबल, ओके okay, उसको अगर मैं नीचे एक्सेस करने की कोशिश करूं, ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने कर दिया ए, फाइन, तो क्या होगा, लोकल वेरिएबल को मैं एक्सेस नहीं कर सकती। अगर मैं इसको करती तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एरर, और एरर कब आएगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तब एरर आएगा। तो ये जो सबसे पहले कंट्रोल कहां गया, सबसे पहले कंट्रोल आपका फर्स्ट लाइन पे गया, देन आपका उसने चेक किया ये क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है, देन आपका कहाँ जाएगा, आपका आपका जाएगा जहां पे आप इनपुट करा रहे हो लेंथ को। तो मैंने इनपुट करा दिया 4 लेंथ, राइट। अब मैंने ब्रेथ को, नेक्स्ट मैंने ब्रेथ को इनपुट करा दिया 2, राइट ओके। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका कंट्रोल जाएगा यहाँ पे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या करेगा, इन्वोक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट आपके अंदर इस फंक्शन के अंदर लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पास हो जाएंगी, वो कैलकुलेट होंगी और वो रिटर्न हो जाएंगी। रिटर्न होने के बाद वो यहाँ पे आ भी जाएंगी और एआर के अंदर इनिशियलाइज भी हो जाएंगी। लेकिन जब आपका ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आएगा, ओके, और जब इंटरप्रेटर को क्या मिलेगा कि आप यहाँ पे ए को एक्सेस कर रहे हो, ए को, तब आपका क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे 22 प्रेस 2 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, अब हमारे पास क्या आएगा, एरर आ गया। कौन सा एरर आया है आपके पास, आपके पास आया है नेम एरर, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, राइट, आउटसाइड द फंक्शन ए को हमने डिफाइन नहीं किया है, इनसाइड तो फंक्शन किया हुआ है, आउटसाइड द फंक्शन नहीं किया है, इसलिए आपकी नेम एरर आ गई है, फाइन, बिकॉज यहाँ पे हमने ए को एक्सेस करने की कोशिश की है जो क्या है, लोकल वेरिएबल है, ओके okay, अब अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ए की जगह ए आर को एक्सेस कर लेती हूँ जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, तो क्या आपके पास क्या होगी, एरर आएगी, नहीं आएगी। आप सिंपली इसको एग्जीक्यूट करो जैसे हमने पहले किया था, 4 देन 4, ओके आपका रिजल्ट आ गया है, ओके ओके। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वेरिएबल को आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट right? तो मैं एक यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ, राइट मैंने एक फंक्शन और क्रिएट किया यहाँ पे डेफ, ओके और मेरे फंक्शन का नाम है शो एरिया फंक्शन, राइट ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया शो एरिया फंक्शन, फाइन, और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर। अब देखो यहाँ पे AR को, AR मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, मैं क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन के अंदर उसको एक्सेस कर रही हूँ, फाइन, तो यहाँ से हम प्रिंट हटा देते हैं, ओके और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने फंक्शन को शो एरिया फंक्शन, राइट। अब मैं पहले आपको बताती हूँ एग्जीक्यूट कैसे होगा। यहाँ पे देखो पहले आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा जो कि फंक्शन हेडर है, फंक्शन बॉडी को ये क्या करेगा, स्किप, देन ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन हेडर है, इसको चेक करने के बाद फंक्शन बॉडी को ये स्किप कर देगा, फिर ये कहाँ जाएगा, आपके पास जाएगा इस लाइन के पास जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लेंथ को इनपुट करा रहे हो, ओके तो आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगा एंटर लेंथ, फिर आपका कहाँ जाएगा, बी के पास जाएगा, बी वेरिएबल वाली लाइन के पास, और आपसे पूछेगा एंटर ब्रेथ, आप ब्रेथ को एंटर करा दोगे, फाइन, देन आपका क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन में आपने किसको कॉल किया है, एरिया फंक्शन को कॉल किया है, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू आपने पास की है, तो यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा और आपका क्या होगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ए इक्वल्स टू एल इनटू बी और रिटर्न ए, ए रिटर्न होके कहाँ चला जाएगा, आपके स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, ए आर के अंदर,
एयर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके अब आपने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल चला जाएगा शो एरिया फंक्शन के पास, और शो एरिया फंक्शन के अंदर आपने क्या स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए आर। तो यहाँ पे देखो ए आर वेरिएबल जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, आप इसको एक्सेस करा रहे हो फंक्शन के अंदर, राइट। शो एरिया फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा और आपका ए आर की वैल्यू फंक्शन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। फाइन, मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ अब आपको। देखो एंटर लेंथ, आपने लेंथ को एंटर कर दिया, मान लो आपने लेंथ दे दी 4, राइट, आपने ब्रेथ दे दी 3, ओके, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने कहाँ प्रिंट कराया है, आपने शो एरिया फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया है। और ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, फंक्शन कॉल जब आपने किए तब एग्जीक्यूट हुआ है। तो डिफरेंस देखो, अगर आप ए को बाहर एक्सेस करोगे फंक्शन के बाहर तो क्या होगा, एरर रहेगी। बट अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पर भी यूज करोगे फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर तो कोई भी एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने ए आर जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है उसको शो एरिया फंक्शन के अंदर यूज किया है तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव नेम रिजोल्यूशन, रिजोल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम और LEGB रूल। तो यहाँ पे LEGB रूल क्या है, L stands for local, E stands for enclosing, G stands for global and B stands for built-in। तो LEGB रूल क्या है, LEGB रूल इज अ काइंड ऑफ नेम लुकअप प्रोसीजर विच डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच पाइथन लुकअप नेम्स इन अ प्रोग्राम और फंक्शन। तो LEGB रूल क्या है, ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी नाम को ढूंढता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, राइट। तो कैसे ढूंढता है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सेस अ वेरिएबल नेम इन अ प्रोग्राम, अगर मान लो आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो पाइथन उस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा, देन पाइथन विल लुक That name up sequentially in the local। तो Python सबसे पहले कहाँ जाएगा, local scope में variable को ढूंढेगा, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगा, enclosing scope में ढूंढेगा, अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो global scope में ढूंढेगा, और अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो कौन से scope में ढूंढेगा, वो built-in scope में इसको ढूंढेगा, right। अगर built-in में भी नहीं मिलता है तो क्या show कर देगा, error show कर देगा, fine। इसको हम practically करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं कि लोकल स्कोप में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, एनक्लोज्ड में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल में कौन से होते हैं, बिल्ट इन में कौन से होते हैं। ओके, देखो लोकल में क्या है, दिस स्कोप इज वैलिड फॉर ऑल द डिफाइंड एलिमेंट्स इनसाइड अ फंक्शन और क्लास। तो लोकल स्कोप में वो वेरिएबल्स आएंगे जो किसी फंक्शन में या क्लास में आपने डिफाइन किए हुए, राइट, जो अभी हमने किए भी, हमने लोकल ग्लोबल तो अभी किया है, राइट। अब क्या है आपका एनक्लोज्ड, नेम डिफाइंड इन नेस्टेड फंक्शन और क्लोज्ड फंक्शन, राइट। तो एनक्लोज्ड क्या हो गया, आप एक फंक्शन है उसके ऊपर एक और फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे एनक्लोज्ड, जैसे हमारा लोकल हो गया ये, ओके, एनक्लोज्ड हो गया आपका, इसको कवर करने वाला एक फंक्शन आपका यहाँ पे था फंक्शन एफ, राइट, उसके ऊपर एक और फंक्शन आपने बनाया हुआ है फंक्शन एफ वन, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, एनक्लोज्ड स्कोप हो गया, फाइन। ग्लोबल स्कोप आपको पता है, नेम डिफाइंड अबव अ पाइथन क्लास और एट द टॉप ऑफ द मॉड्यूल, मतलब आप ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली आप उनको कहाँ डिफाइन करते हो, टॉप पे डिफाइन करते हो, अदरवाइज आप फंक्शन में कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो ग्लोबल को, राइट, बट दे आर आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक्स, राइट। देन बिल्ट इन, ऑल बिल्ट इन वेरिएबल्स इन फंक्शन ऑफ पाइथन। तो बिल्ट इन में क्या, कौन से वेरिएबल्स आएंगे जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड, जो पाइथन की लाइब्रेरी आपको प्री डिफाइंड वेरिएबल्स प्रोवाइड करती है और फंक्शंस प्रोवाइड करती है, वो कौन से, वो किस में आएंगे, बिल्ट इन वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, फाइन। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पाई इक्वल्स टू 20, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और हम उसको बोल लिख देते हैं आउटर फंक्शन, राइट, और इसमें हम दे देते हैं पाई की वैल्यू, पाई इक्वल्स टू 30, राइट। अब इसके अंदर, आउटर फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेस्टिंग हो जाएगी फंक्शन की, राइट, डेफ इनर, फाइन, और इसमें हम पाई की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 40, राइट, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, प्रिंट ने पाई की वैल्यू प्रिंट करा दी, ओके, इक्वल्स पाई,
राइट, पाई की वैल्यू आपने प्रिंट करा दी। अब हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को कॉल करेंगे, ओके, देन हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे, फाइन। अब देखो यहाँ पे जो हमने ये जो सबसे ऊपर डिफाइन किया है इसको हम दे देते हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ग्लोबल स्कोप या ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे होगा, ये ग्लोबल स्कोप में है, राइट। अब देखो हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले इनर फंक्शन में देखो, इनर फंक्शन में पाई इक्वल टू 40 है, ये हमारा क्या है, लोकल स्कोप है, लोकल वेरिएबल है, राइट। तो हम इस यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे ऊपर लिख भी देते हैं ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, राइट, ग्लोबल स्कोप, फाइन। अब यहाँ पे हम जो हमारा पाई 40 है जो हमने इनर फंक्शन में दिया है वो हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल स्कोप, लोकल स्कोप हो गया। अब देखो जो इस ये जो हमारा ये इनर फंक्शन है, ये आपका इनर फंक्शन है, ओके, और इस फंक्शन को किसने कवर किया, इसको इस फंक्शन को कवर किया है आउटर फंक्शन ने, तो ये इसका एनक्लोजिंग स्कोप हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका इनर फंक्शन है, राइट, दिस इज योर इनर फंक्शन, तो ये आपका इनर स्कोप हो गया, और इसने इसको किसने कवर किया, इसको कवर किया है आउटर फंक्शन ने, तो ये आपका आउटर, ये क्या हो गया, ये आपका एनक्लोजिंग स्कोप हो गया, राइट, एनक्लोजिंग स्कोप हो गया, फाइन। तो जो 30 जो वेरिएबल 30 है वो कहाँ पे डिफाइन हुआ है, एनक्लोज्ड, ये कौन सा वेरिएबल है, ये एनक्लोज्ड वेरिएबल है, ठीक है, एन एनक्लोज्ड वेरिएबल, एनक्लोज्ड वेरिएबल, फाइन। और आप यहाँ पे लिख सकते हो एनक्लोजिंग स्कोप, क्लोजिंग स्कोप, फाइन, हमने एनक्लोजिंग, अच्छा हमने ग्लोबल ले लिया, लोकल ले लिया, एनक्लोजिंग स्कोप ले लिया, हम बिल्ट इन भी ले ही लेते हैं, ओके, हम बिल्ट इन भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्ट इन भी ले लेती हूँ, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट पाई, तो हम मैथ मॉड्यूल से पाई वेरिएबल की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इम्पोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट लाइन हमने ली है उसमें हम कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, हम बिल्ट इन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बिल्ट इन वेरिएबल, वेरिएबल, ओके, और स्कोप आपका हो गया बिल्ट इन स्कोप, राइट। तो इसको लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, बिल्ट इन क्या है, पाई इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। देन आपका कंट्रोल जाएगा डेफ आउटर, डेफ आउटर पे जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन हेडर चेक होने के बाद पूरी फंक्शन बॉडी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। देन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर, जहां पे आपने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, आउटर फंक्शन को कॉल किया है, राइट, आउटर फंक्शन को कॉल किया है, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फंक्शन के पास चला जाएगा आपका कंट्रोल, फाइन। अब आपका पूरा आउटर जो फंक्शन है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, आप इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ पे आपने वेरिएबल पाई की वैल्यू दी है 30, राइट, आपका एनक्लोज्ड वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, फिर आप नीचे जाएगा डेफ इनर, डेफ इनर फंक्शन है आपका, उसके अंदर जाएगा, वो भी एग्जीक्यूट होगा, डेफ इनर एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 40, ओके, एंड प्रिंट करा दिया है पाई, ओके, द वैल्यू ऑफ पाई इज पाई, राइट, फिर वो नीचे जाएगा तो क्या है, इनर फंक्शन को कॉल किया है, तो अब क्या होगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, इनर फंक्शन पे कॉल हुआ है तो यहाँ पे चला जाएगा इनर, अब क्या होगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आ जाएगी 40, अंडरस्टूड, ओके, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पाई इक्वल टू 40, राइट, और देखो जब ये फॉलो करता है, पाइथन जब फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता है तो एलईजीबी रूल फॉलो करता है, पहले लोकल वेरिएबल को सर्च करता है, फिर एनक्लोज्ड वेरिएबल को सर्च करता है, फिर ग्लोबल वेरिएबल को सर्च करता है, देन बिल्ट इन वेरिएबल को सर्च करता है। तो देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके पास देखो वैल्यू आ गई है 40,
राइट आपकी स्टेटमेंट क्या है, पाई इक्वल टू 40, आपका लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है, लोकल वेरिएबल एक्सेस हुआ है सबसे पहले, फाइन। अब अगर मैं क्या करती हूँ, लोकल वेरिएबल को मैं हटा देती हूँ, लोकल वेरिएबल जो है यहाँ पे इसको मैं बना देती हूँ कमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बना दिया कमेंट, लोकल वेरिएबल मेरा कमेंट बन गया। आप किसको एग्जीक्यूट करेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को एग्जीक्यूट करेगा पाइथन, राइट। मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूट पूरा जो फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है, पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपका पाई वेरिएबल इंपोर्ट हो जाएगा, देन आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है, फिर आपने क्या किया है जो कंट्रोल है वो कहाँ जाएगा, वो आउटर फंक्शन के हेडर पे जाएगा और इसको इसकी बॉडी को स्किप कर देगा, राइट। फिर आपने आउटर फंक्शन को कॉल कर दिया, आउटर फंक्शन को कॉल किया है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फंक्शन के हेडर पे चला जाएगा और इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आपने एनक्लोज्ड वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट। फिर इसके अंदर आपने इनर फंक्शन बनाया है, इनर फंक्शन के अंदर आपने पाई की वैल्यू क्या करी है, प्रिंट कराई है, क्योंकि यहाँ पे अब ये हमारा पाई वेरिएबल लोकल वेरिएबल हमने हटा दिया है, ठीक है, लोकल वेरिएबल कमेंट बन गया तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट कराई है और फिर इनर फंक्शन को ही इसके अंदर कॉल किया गया है, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा इनर फंक्शन, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ओके। पर इनर फंक्शन के अंदर तो पाई की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, उसको हमने कमेंट बना दिया है। तो अब जो आपका इंटरप्रेटर है, लोकल वेरिएबल तो है नहीं, अब किसको ढूंढेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढेगा और क्या करेगा, एनक्लोज्ड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे अब मेरा क्या आना चाहिए, प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, 30, राइट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, आप ध्यान से देखो इसको, प्रिंट एग्जीक्यूट, आप देखो अब कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, अब आपकी प्रिंट हुई है 30, क्योंकि जब लोकल वेरिएबल नहीं था तो पाइथन ने किसको ढूंढा, एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढा और एनक्लोज्ड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, तो आपके पास आ गया 30, राइट। तो एल लोकल वेरिएबल हमारा एग्जीक्यूट हो गया, हमारा एनक्लोज्ड वेरिएबल एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अब देखो लोकल वेरिएबल भी नहीं है और एनक्लोज्ड वेरिएबल भी नहीं है, मैंने इसको भी बना दिया कमेंट, राइट। तो अब पाइथन किसको ढूंढेगा, अब ढूंढेगा ग्लोबल वेरिएबल को, LEGB रूल फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, फाइन, ओके। फिर से मैं आपको बताती हूँ कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल आपका फर्स्ट लाइन पे जाएगा, आपका पाई बिल्ट इन वेरिएबल आ जाएगा इम्पोर्ट, ओके। फिर आपने ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट किया है, फिर आपका यहाँ पे आउटर फंक्शन है, इसको वो इग्नोर कर देगा पूरे फंक्शन को, लेकिन हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया, आउटर फंक्शन को कॉल किया तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो आउटर फंक्शन के अंदर अब यहाँ पे देखो एनक्लोज्ड वेरिएबल मैंने हटा दिया, अंदर जाएगा क्या है आपका इनर फंक्शन, उसके अंदर भी हमने लोकल वेरिएबल को हटा दिया, लेकिन इनर फंक्शन के अंदर हमारे पास कमांड क्या है, प्रिंट पाई, पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है और इसके अंदर हमने इनर को कॉल किया है, तो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, इनर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट पाई, राइट। तो अब क्या करेगा, एल लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा, नहीं है, ई एनक्लोज्ड वेरिएबल को ढूंढेगा, नहीं है, फिर आपको किसको ढूंढेगा, ग्लोबल वेरिएबल को ढूंढेगा, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, पाई इक्वल टू 20, ग्लोबल वेरिएबल के पास जाएगा LEG, तो अब यहाँ पे आप जब इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, पाई की 20, राइट। अब मैं देखो इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो हमारे पास कौन सी आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई है 20, राइट। देखो लुक एट दिस, पाई इक्वल्स टू 20, आपका कौन सा वेरिएबल एग्जीक्यूट हुआ है, 20, तो ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको भी हम बना देते हैं कमेंट, राइट। इसको भी हम क्या बना देंगे, कमेंट, जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है इसको भी मैंने बना दिया कमेंट, राइट। अब देखो अब आपका फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा पूरा प्रोग्राम, राइट। आपका क्या होगा, आपने बिल्ट इन वेरिएबल इंपोर्ट कराया है पाई, राइट। उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाया, इसको कमेंट बना दिया है, राइट। आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर फंक्शन के हेडर पे जाएगा, ओके। देन इसकी पूरी बॉडी इग्नोर हो जाएगी, आपने फिर किया आउटर को कॉल, आउटर को कॉल किया तो आपका कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल आउटर के हेडर पे जाएगा, आउटर के हेडर पे जाएगा तो यहाँ पे देखो हमने इसको हटा दिया है एनक्लोज्ड वेरिएबल को। फिर ये नीचे जाएगा इनर फंक्शन के पास, इनर फंक्शन में भी हमने वेरिएबल लोकल वेरिएबल को हटा दिया है, फाइन। लेकिन स्टेटमेंट है हमारी पाई इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है और इसके अंदर हमने इनर को कॉल कर दिया, इनर को कॉल कर दिया तो क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो अब क्या करेगा, एल ई
जीबी, राइट, मतलब LEGB रूल यहाँ पे फॉलो होगा. लोकल वेरिएबल हमारे पास नहीं है, एनक्लोज वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास नहीं है. तो अब कौन से वेरिएबल को ढूंढेगा? वो बी. ओके, बिल्ट इन वेरिएबल को ढूंढेगा, तो बिल्ट इन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. तो अब अगर आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी? बिल्ट इन वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी. तो देखो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन वेरिएबल पाई की वैल्यू आ गई है 3.14, राइट. ओके, तो यहाँ पे LEGB रूल फॉलो हुआ. सबसे पहले लोकल वेरिएबल को प्रिंट कराया, वो नहीं मिला तो फिर एनक्लोज्ड वेरिएबल को प्रिंट कराया, वो नहीं मिला तो ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कराया, और जब ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिला तो आपने जो पाइथन था उसने बिल्ट इन वेरिएबल को प्रिंट कराया. और अगर उसको बिल्ट इन वेरिएबल भी नहीं मिलता है तो क्या आएगी आपके पास? एरर आएगी. हम करेंगे राइट. तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है स्टेटमेंट आपकी है? वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप बट नॉट इन लोकल स्कोप, बट नॉट इन लोकल स्कोप. फाइन, तो यहां पे हमने फंक्शन बनाया डेफ चेक. ओके, उसके अंदर हमने ले लिया इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 प्रिंट num1. ओके, अब देखो चेक फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी num वेरिएबल num1 और num2 वेरिएबल नहीं बनाया है. तो ये ऑब्वियसली ये वेरिएबल हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे? ये हम ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर करेंगे और इसको अपने फंक्शन में यूज करेंगे. फाइन, अब यहाँ पे आपका आ गया एल्स. अगर num1 बड़ा है तो num1 प्रिंट हो जाए, एल्स आपका प्रिंट हो जाए num2, नहीं तो आपका क्या प्रिंट हो जाए? num2 प्रिंट हो जाए. फाइन, अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया num1, ग्लोबल वेरिएबल हम बना रहे हैं, और इसमें हम वैल्यू कहाँ से इनपुट करा रहे हैं? यूजर से. इनपुट आपने ले लिया एंटर num1. ओके, देन num2 इंट इनपुट एंटर num2. ओके, एंड देन आपने क्या कर दिया? चेक फंक्शन को कॉल कर दिया. ओके, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. देखो पाइथन विल फर्स्ट चेक द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ चेक फंक्शन फॉर वेरिएबल्स num1 एंड num2. तो पाइथन क्या करेगा? सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे क्या है, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट लाइन पे जाएगा, जहां पे क्या है फंक्शन डेफिनेशन, इसको स्किप कर देगा, राइट. फिर आपका क्या एग्जीक्यूट होगा? आपका एग्जीक्यूट होगा num1 वाली लाइन, यहाँ पे एंटर num1 आ जाएगा, एंटर num2 आ जाएगा. फाइन, और उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल किया है. फंक्शन को कॉल किया है तो सीधा कहाँ पे कंट्रोल कलर चला जाएगा? फंक्शन हेडर के पास. अब फंक्शन हेडर के पास जब कंट्रोल जाएगा तो ये फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट होगी. फंक्शन बॉडी जब एग्जीक्यूट होगी तो पाइथन क्या चेक करेगा? इसका लोकल एनवायरमेंट चेक करेगा. किसके लिए? num1 एंड num2 वेरिएबल के लिए, कि क्या num1 एंड num2 वेरिएबल यहाँ आपने डिफाइन किए हैं, ठीक है. अगर कि इसको ढूंढेगा कि क्या ये दोनों लोकल स्कोप के वेरिएबल हैं या नहीं है. ओके, अगर उसको यहाँ पे num1 एंड num2 डिफाइन नहीं मिलते, num1 एंड num2 आपने लोकल स्कोप में डिफाइन नहीं किए, फाइन, तो वो कहाँ जाएगा? पाइथन नाउ चेक्स फॉर num1 एंड num2 इन द पेरेंट एनवायरनमेंट ऑफ चेक फंक्शन. तो इसके ऊपर वाले एनवायरनमेंट में, पेरेंट एनवायरनमेंट में, चेक फंक्शन के ऊपर वाले एनवायरनमेंट में चेक करेगा. ओके, यहाँ पे लेकिन इसका पेरेंट एनवायरनमेंट है ही नहीं. ओके, तो क्या होगा उसके बाद? वो क्या करेगा? यहाँ पे देखो, पहले उसने लोकल एनवायरनमेंट में चेक किया num1 एंड num2 को, उसके बाद उसने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में चेक किया. एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट इस फंक्शन का है ही नहीं, तो अब कहाँ जाएगा? वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेक करेगा num1 एंड num2 को. तो उसे num1 एंड num2 कहाँ मिल जाएंगे? ग्लोबल एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे. फाइन, तो उनको वो क्या करेगा? ग्लोबल एनवायरनमेंट से उनको एक्सेस करेगा और उनको एग्जीक्यूट करा देगा, राइट. तो यहाँ पे आपके फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू. अगर num1 बड़ा है तो num1 की, एंड num2 बड़ा है तो num2 की, राइट. ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं.
देखो एंटर नंबर वन मैंने 10 कर दिया, एंटर नंबर टू मैंने 20 कर दिया, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे लिखी हुई 20 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपका एस वाला पार्ट क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, नम टू की वैल्यू आ गई है 20। फाइन, आपको प्रोसीजर पूरा समझ ही आ गया था, राइट। सबसे पहले क्या करेगा आपका पाइथन इंटरप्रेटर, लोकल वेरिएबल को ढूंढेगा कि क्या नम वन और नम टू लोकल वेरिएबल हैं, उसे नहीं मिलेंगे लोकल वेरिएबल, तो उसका एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट ढूंढेगा कि क्या एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में नम वन एंड नम टू हैं, इसका एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट नहीं है तो कहाँ चला जाएगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में ढूंढेगा तो उसे नम वन और नम टू मिल जाएंगे, ओके। उनकी वैल्यूज को एक्सेस कराएगा और फंक्शन के अंदर और प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर आपका वेरिएबल किसी भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया अपना फंक्शन डेफ ग्रीट, ओके, और उसमें आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट हेलो ओके, एंड इसके साथ आपने एक वेरिएबल ले लिया नेम, राइट। अब देखो नेम वेरिएबल को मैंने कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है और मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल करा दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो ग्रीट फंक्शन पहले फर्स्ट लाइन पे जाएगा आपका कंट्रोल, ओके, फंक्शन बॉडी को स्किप कर देगा, देन आपका कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा। आपने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन को, अब तो कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन हेडर पे और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम दिया है, राइट, लेकिन वेरिएबल नेम ना तो हमने लोकल स्कोप में डिफाइन किया है, ना ही हमने एनक्लोजिंग स्कोप में डिफाइन किया है, ना ही हमने इसको ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है, तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है तो क्या आ जाएगी, आपके पास एरर आ जाएगी, क्योंकि किसी ना किसी स्कोप में आपको वेरिएबल को डिफाइन करना जरूरी है। तो देखो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास नेम एरर आ गई है, नेम इज नॉट डिफाइंड, राइट। आपने किसी भी स्कोप में नेम वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया है, इसलिए हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास एरर आ गई है, राइट। अगर आपने इसको डिफाइन किया होता, लेट अस सपोज मैंने इसको डिफाइन किया होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया होता नेम वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिख दिया होता, एक वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे दीप्ति लिख दिया, राइट। उसके बाद मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया होता लोकल स्कोप में, मैंने इसको डिफाइन कर दिया है नेम वेरिएबल को, मेरे पास एग्जीक्यूट होके आ गया हेलो दीप्ति, फाइन। तो आपको वेरिएबल को कहीं किसी स्कोप में डिफाइन करना जरूरी होता है, ओके। अब अगर आपने सेम नेम लिए हैं वेरिएबल्स के लोकल स्कोप में भी एंड ग्लोबल स्कोप में भी, तो आपके वो वेरिएबल्स कैसे एक्सेस होंगे प्रोग्राम में, हम ये एग्जाम्पल करते हैं। सेम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एस वेल एस इन ग्लोबल स्कोप, राइट। सेम वेरिएबल नेम लेंगे तो यहां पे हमने अपना प्रोग्राम बनाया डेफ चेक, ओके। उसमें आपने एक वेरिएबल ले लिया ए और उसको आपने दे दी वैल्यू 20, राइट। तो यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल दिया है, तो फंक्शन में क्या होता है, जब आप फंक्शन में लोकल वेरिएबल क्रिएट करते हो तो लोकल फंक्शन अपने वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को क्या देता है, प्रेफरेंस देता है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, लोकल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट, ओके, और यहाँ पे हम दे दो, आप दे दो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए, राइट, ओके। अब आपने क्या किया, डेफ चेक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट किया, उसको वैल्यू दी 20, उसको प्रिंट करा दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, सेम नेम से बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल और इसको वैल्यू में दे देती हूँ 50, फाइन, ओके। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ओके। अब क्या करेंगे हम,
प्रिंट करा देंगे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए, फाइन। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने चेक फंक्शन को कॉल कर दिया, चेक फंक्शन को कॉल किया, फाइन। एंड देन आपने फिर से प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या कराया आपने, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए। अब देखो ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेगा आपका, यहां पे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे आपके पास जाएगा फंक्शन, आपकी डेफिनेशन है तो ये फंक्शन बॉडी आपकी स्किप हो जाएगी, फाइन। देन आपके पास इस लाइन के पास जाएगा, राइट। ग्लोबल वेरिएबल आपने क्रिएट किया यहाँ पे ए इक्वल्स टू 50 ग्लोबल वेरिएबल। अब आपने स्टेटमेंट दे दिया प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एक्सेस होगा, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा क्योंकि हम लोकल वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया है तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फंक्शन हेडर पे चला जाएगा और फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने लोकल वेरिएबल क्रिएट किया है सेम नेम से जिसकी वैल्यू दी है 20 और उसको प्रिंट करा दिया। अब फंक्शन के अंदर किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 50, राइट। ये आपकी 50 वैल्यू आएगी। फिर जब फंक्शन कॉल हुआ और प्रिंट स्टेटमेंट आया तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 20, राइट। यहाँ आपके 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 पास 20 वैल्यू प्रिंट होगी, ओके। और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद आपका क्या कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल इस वाली स्टेटमेंट पे जाएगा। फिर आपका अगेन आप प्रिंट करा रहे हो वैल्यू ऑफ ए, तो आउटसाइड द फंक्शन अगेन क्या एक्सेस होगा, ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट होगा आपका, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50, राइट। आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 50। तो कैसे आएगा आपका रिजल्ट, 50 सबसे पहले, 50 देन 20 एंड देन 50, राइट। 50 20 50, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ओके। देखो अब यहाँ पर आ गया रिजल्ट, सबसे पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई थी वैल्यू ऑफ ए, तो आपका वैल्यू ऑफ ए 50 आ गया ग्लोबल वेरिएबल। फिर आपका कौन सा, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो फंक्शन में वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हुई, वैल्यू ऑफ ए 20 आ गई, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, अगर सेम नेम से वेरिएबल्स हैं तब तो वो देगा लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस, राइट। और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपका क्या है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई तो अगेन इसने आउटसाइड द फंक्शन किसको एक्सेस किया, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, ओके। अभी आपने देखा जब दो वेरिएबल सेम नेम के थे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, तो फंक्शन ने किसको प्रेफरेंस दी, ग्लोबल वेरिएबल सॉरी लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी, राइट। आपने देखा भी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन ने प्रिंट की, ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी यूज ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द लोकल स्कोप, हमें ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है लोकल स्कोप में अगर दोनों का ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नेम क्या है, सेम है। अभी हमने क्या देखा, फंक्शन किसको प्रेफरेंस देता है, लोकल को प्रेफरेंस देता है, वो ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट नहीं करता, लोकल को एग्जीक्यूट करता है। पर हम क्या चाहते हैं हमारे फंक्शन में, हम ग्लोबल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करें, लोकल को एग्जीक्यूट ना करें। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इफ इन एनी प्रोग्राम देयर आर टू वेरिएबल्स विद द सेम नेम, वन इज लोकल एंड वन इज ग्लोबल, ठीक है। एक प्रोग्राम में दो वेरिएबल हैं सेम नेम के, एक लोकल है एक हमारे पास ग्लोबल है, राइट, ओके। टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इन अ फंक्शन वी हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड विद द वेरिएबल नेम। तो अगर आप चाहते हो ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना तो आप किसका यूज करोगे, आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे वेरिएबल के नाम के साथ, राइट। व्हेन अ फंक्शन चेंजेस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक आउटसाइड द फंक्शन ऑल्सो। और जब फंक्शन क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है तो वो वैल्यू चेंज होकर फंक्शन के बाहर भी यूज होती है, फाइन। इन पाइथन ग्लोबल कीवर्ड अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज अ ग्लोबल वेरिएबल इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया है कि अगर हमें प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट, ओके। फंक्शन के अंदर अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन इज बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल, वी नो इट कि अगर जो
वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं. अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इज द ग्लोबल बाय डिफॉल्ट. और जो आपके फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होता है. द कीवर्ड ग्लोबल इज रिटर्न इनसाइड द फंक्शन टू यूज द ग्लोबल वैल्यू. लेकिन अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है अपने फंक्शन के अंदर तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे? ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे. नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली. ओके ओके, तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, उसको वैल्यू दे दी 10. तो 10 यहाँ पे सी मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया है? ये मैंने बनाया है ग्लोबल वेरिएबल, राइट, ग्लोबल वेरिएबल बनाया है. नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ एड नेम, एड फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, एड फंक्शन बनाया. ओके, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने ग्लोबल कीवर्ड को यूज किया. ओके, और सी मतलब ग्लोबल, यहाँ पे सी क्या बन गया है मेरा, ग्लोबल मेरा सी पहले क्या था, ग्लोबल वेरिएबल था. अब इनसाइड द फंक्शन इसको यूज करने के लिए मैंने इसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा दिया, ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया. ओके, तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देते हैं, कमेंट नाउ ऑनवर्ड्स सी will refer to global variable. अब जो C जो मैंने नेम लिया है वो किसको रेफर करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है. ओके, ग्लोबल वेरिएबल, राइट. नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा के उस पर मैं क्या कर रही हूँ, कैलकुलेशन करा रही हूँ, उसको यूज कर रही हूँ. अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देती हूँ. तो अब जो भी काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल पे हो रहा है, लोकल वेरिएबल पे नहीं हो रहा है, ग्लोबल वेरिएबल पे हो रहा है. ठीक है, ग्लोबल वैल्यू ऑफ सी इज इंक्रीमेंटेड बाय 2. ठीक है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी है 2 से, मतलब उसमें. और अब यहां पे हम करा देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, हम करा देते हैं इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी. मतलब इस फंक्शन के अंदर आपकी सी की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे दे दिया. ओके, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया. अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे. फाइन, प्रिंट करा दी. अब एक स्टेटमेंट और लेते हैं हम लोग. आउटसाइड एड फंक्शन, आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी, ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है. इनसाइड एड फंक्शन, ओके, एंड आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी. ठीक है, यहाँ पे सी प्रिंट कर. अब देखो मैं इसको बताती हूँ कैसे एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पर हमारा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, आपका कंट्रोल फर्स्ट लाइन पे जाएगा जहां पे आपने ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट किया है. ओके, देन आपका क्या है, फंक्शन हेडर आएगा तो आपकी फंक्शन की बॉडी स्किप हो जाएगी. आपका फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पर जाएगा. फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, इन्वोक होगा और उसकी इंटरनल बॉडी एग्जीक्यूट होगी. इंटरनल बॉडी में हमने क्या किया है, हमने ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल के नेम के आगे ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया है. अब जो हमारा सी है वो किसको रेफर करेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल को रेफर करेगा. फाइन, तो अगर हमने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन की तो वो किसके ऊपर होगी, वो ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर होगी यहाँ पे. ओके, तो अब देखो आपने एक और वेरिएबल लिया सी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया सी इक्वल्स टू सी प्लस टू, राइट. सी की जो करंट वैल्यू थी उसमें 2 प्लस एड हो जाए, फिर आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया सी को. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज सी, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 निकल के आ जाएगा, 10 प्लस 2 12. फाइन, अब देखो हमारा क्या था, जो भी चेंज आप ग्लोबल वेरिएबल में करते हो वो आपका आउटसाइड द फंक्शन वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है.
ओके तो जब आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट पे जाएगा, आउटसाइड स्टेटमेंट पे। और फिर आपका क्या प्रिंट होगा, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी आउटसाइड दैट फंक्शन वैल्यू ऑफ सी। तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो यहाँ पे थी। क्यों, जो भी वैल्यू चेंज होके आएगी फंक्शन के बाहर भी वही वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल की रहेगी। तो यहाँ पे 12 होगी तो यहाँ पर भी 12 होगी। फाइन, अब देखो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, लुक एट दिस। तो देखो सिंपल आपका आ गया है, आपने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल को यूज किया है बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। देखो इनसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 12, आउटसाइड एड फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 12। ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया। फाइन, अगर मैं ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करती हूँ राइट, तो आपको पता है फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, फंक्शन प्रेफरेंस देगा अपने लोकल वेरिएबल को राइट। तो मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट कर दिया 5। ओके, एंड यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट हटा देते हैं अब राइट right? और मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दो राइट right? और मैंने लिख दिया C++2। तो अब क्या होगा, अब फंक्शन किसको प्रेफरेंस देगा, अब फंक्शन प्रेफरेंस देगा अपने लोकल वेरिएबल को, क्योंकि यहाँ पे C क्या है, इसका लोकल वेरिएबल। तो 5 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, C++7 राइट right? इसको मैं बताती हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले आपका ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आपने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया, फिर कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन पे, इसको स्किप कर देगा बॉडी को। देन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पे जाएगा, तो आपकी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, C=5 लिखा है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, फंक्शन लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा। और मैंने C=C+2 कर दिया है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 5 है, 5+2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। और आउटसाइड जो वैल्यू प्रिंट होगी ग्लोबल वेरिएबल की प्रिंट होगी, दैट इज 10 राइट। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो इस फंक्शन को, तो देखो वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ पे फंक्शन ने प्रेफरेंस दी अपने लोकल वेरिएबल को। तो आपकी देखो पहले क्या है, इनसाइड द ऐड फंक्शन द वैल्यू ऑफ सी इज 7 और आउटसाइड द ऐड फंक्शन द वैल्यू ऑफ सी इज 10। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हुआ है आउटसाइड द फंक्शन, और इनसाइड द फंक्शन आपका लोकल वेरिएबल एक्सेस हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो ग्लोबल वेरिएबल के नाम के आगे आपको ग्लोबल कीवर्ड लगाना होगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रही हूँ। मैंने ग्लोबल कीवर्ड बनाया, लगाया ग्लोबल सी। ओके, उसके बाद मैंने सी की वैल्यू चेंज कर दी राइट right? मेरे पास सी ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होके आ गया, मैंने सी की वैल्यू चेंज कर दी, 5 कर दी, और सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 7 बन जाएगी। अब देखो ये मेरा सी क्या बन चुका है, ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। तो आउटसाइड फंक्शन भी इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 7 ही प्रिंट होगी। देखो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आया है रिजल्ट, इनसाइड एट फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 7 ठीक है, और आउटसाइड एट फंक्शन वैल्यू ऑफ सी इज 7। ओके, तो आपका इनसाइड भी ये 7 है और आउटसाइड भी 7 है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे सी क्या बन गया, हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन गया है राइट right? मतलब ये हमने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू में चेंज किया है जो, और चेंज करने के बाद वो कहाँ पे, ये ग्लोबल वेरिएबल को जहां पर भी आप आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी राइट right? अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो हम कर चुके हैं, हमें अच्छे से आ गया है डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, इट इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन और विद इन अ ब्लॉक। जो वेरिएबल आप किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हो वो कौन सा वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल। ओके, ग्लोबल वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होता है, ये किसी भी फंक्शन या किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं होता, ये आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द ब्लॉक होता है राइट। इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो लोकल वेरिएबल आप कहां पे यूज कर सकते हो, सिर्फ उस फंक्शन के अंदर या उस ब्लॉक के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो जहां पे आपने उसको डिक्लेयर किया है राइट। ग्लोबल वेरिएबल कहां यूज होता है, ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। आप इसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आप आउटसाइड द फंक्शन इसको यूज कर सकते हो, आउटसाइड द ब्लॉक यूज कर सकते हो, इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द ब्लॉक यूज कर सकते हो राइट। फॉर लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम इज देयर फंक्शंस रन दैट इज एज लॉन्ग एज देयर फंक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, जब तक कि वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है जिसके अंदर उसको डिफाइन किया गया है, दैट मींस द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम।
ओके एक छोटे से पार्ट में जहां पे उसको डिक्लेयर किया गया है, सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन तक लोकल वेरिएबल की लाइफ होती है। ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ क्या है? फॉर ग्लोबल वेरिएबल लाइफ टाइम इज एंटायर प्रोग्राम रन। तो ग्लोबल वेरिएबल कब तक जिंदा रहता है, मींस कब तक उसकी लाइफ रहती है? जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके दे लिव इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज रनिंग। तो वो कब तक लिव रहता है, लाइव रहता है? जब तक कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके फिनिश नहीं हो जाता। ओके सो हियर वी हैव डन स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। होप यू लाइक्ड माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।